तो गाइस कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आ चुके हैं फिर से एक नए से सर्वाइवल सीरीज को लेकर। तो गाइस ये कोई मामूली सा सीरीज नहीं होने वाला है, क्योंकि इस सीरीज में हम लोग जाने वाले हैं एक एडवेंचर पर, और ये कोई मामूली एडवेंचर नहीं रहेगा। यहाँ पर हम लोग नए नए खजाने ढूंढेंगे और नए नए रिसोर्सेज ढूंढेंगे जो आज तक हम लोगों ने लोकी क्राम ने शायद ही देखा होगा। तो ये पूरा सर्वाइवल सीरीज होगा, इसमें मैं क्रिएटिव मोड में नहीं जाऊंगा। और ये मेरा पीछे एक प्यारा सा घर है, इसको भी मैं दिखा देता हूँ और फिर चलते हैं एडवेंचर पर। आप लोगों को बताना भूल गया कि ये मेरा एक प्यारा सा छोटा सा सर्वाइवल रूम पूरा एक प्यारा सा घर बनाया है। और चलो इसके अंदर फटाफट से अंदर चलते हैं, एक झलक इसको दिखा भी देते हैं। तो यहाँ पे आपको सामने दिखेगा ये बाउंड्री, और ये मेरा एक प्यारा सा रूम है, यहाँ पे मेरा बेड है और ये एक छोटी सी पेंटिंग लगी हुई है। तो ये सब ना बताते हुए फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने मिशन पर, यानी अपने जो सर्वाइवल सीरीज का जो होने वाला है, इसलिए पूरा सामान ले लेते हैं। और सबसे पहले मुझे घोड़े को लेकर आना है, क्योंकि यार घोड़े से ही पूरा सफ़र होगा, इसीलिए मैंने लीड ले लिया है जो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये प्यारा सा एक लीड है, तो यहाँ से फटाफट से निकलते हैं और किसी घोड़े को ढूंढ कर आते हैं। तो मैंने पहले दिखा देता हूँ कि मेरे पास क्या क्या है यहाँ पर इस रूम में, यानी सॉरी यार इस वार्ड में। तो ये प्यारा सा मेरा एक छोटा सा फार्म है, और यहाँ पर मैंने घोड़े को यहाँ पर बांधने के लिए एक छोटा सा एक तबेला बना रखा है, तो यहाँ पे फार्मिंग भी हो सकती है। तो चलते हैं फटाफट से एक घोड़े को ढूंढ कर लाते हैं और फिर चलते हैं अपने चलते हैं फिर एक सफ़र पर, एक अनजान सफ़र पर। हम लोग ट्रेजर हंटिंग करने वाले हैं आज। आज हम लोग ये सोने को ढूंढने जाएंगे, खजाने को ढूंढने जाएंगे, और फिर देखेंगे कि कितना ट्रेजर हमें मिलता है। तो हम लोग जब तक ट्रेजर नहीं लेकर आएंगे, मैंने कसम खाया है कि तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा, और मुझे ट्रेजर लेकर आना है। तो ये एक यहाँ पे मुझे गधा मिल गया है, तो फटाफट से इसे लीज करते हैं। मैं गधे को भी ले जाऊँगा, क्योंकि गधे के ऊपर सामान लाद कर भी लाएंगे। तो ये गधा मैं लेकर आ रहा हूँ इसे। तो एक मिनट यार, मैं गलत जगह आ गया, शायद इस तरफ से मुझे जाना है। तो इसे फटाफट कर लेकर चलते हैं और इस गधे को उसको बंद कर कर आते हैं उसमें, जो मैंने अपना एक तबेला टाइप का बनाया है कुछ। तो इसे फटाफट से लेकर चलते हैं और इसे बंद करते हैं। तो यार शायद मेरी लीज टूट चुकी है, तो इसे यार थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा सा लीज कर कर लाना पड़ेगा, क्योंकि ये गधा है, ये गधा है। बहुत धीमी तरीके से चल रहा है ये। मैं गधे को लेकर आ चुका हूँ, इसको मैं एक काम करता हूँ, गधे को मैंने इसमें फिलहाल बंद कर दिया, मैं इस पर राइड अभी नहीं करूँगा। एक मिनट से राइड करके अभी देख लेते हैं। तो ये अभी मैं जानता हूँ इसे राइड नहीं कराना किससे, क्योंकि इसे पहले चारा खिलाना पड़ेगा। तो ये वीट को भी तोड़ कर खिलाएंगे, लेकिन इससे पहले एक घोड़े को भी ले आते हैं, क्योंकि घोड़े पर ही बैठकर हमें जाना है और इस गधे पर सामान ला देंगे। तो फटाफट से चलते हैं और घोड़े को भी लेकर आते हैं। तो घोड़ा भी मुझे कोई दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि घोड़ा भी यहीं पर है, देख लो सामने बहुत सारे घोड़े हैं। तो इनमें से एक घोड़े को पकड़ कर यहाँ पर मुझे ये व्हाइट वाला घोड़ा जो है यह काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसे मैंने लीज कर लिया है। और इसे फटाफट से लेकर चलते हैं ऊपर इस घोड़े को। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ ये घोड़ा मेरे साथ में आ भी रहा या नहीं। पता लगा कि यार मैं पहुंच गया और मेरा घोड़ा अभी नीचे ही है। तो इसे फटाफट से लेकर चलते हैं। मैंने गौर नहीं किया इस घोड़े के साथ में इसका बच्चा भी वापस आ गया, क्योंकि ये जहां जा रहा है मैं देख रहा हूं इसका बच्चा भी इसके साथ में आ रहा है। तो घोड़े के साथ में ये घोड़ा फ्री, तो अब मुझे लाना नहीं पड़ेगा, इसे अनलीस करते हैं फटाफट से। और इस लीस को इस रस्सी को संभाल कर रखना होगा, तो फटाफट से पहले निकलते हैं, काम करते हैं और फटाफट से चारा तोड़ कर इन लोग को खिला देते हैं। तो इसे पूरा तोड़ लेते हैं, मैंने तोड़ लिया है, इसे फटाफट से इसी लगे हाथ में इसको बुआई वापस से कर देते हैं, क्योंकि चारा दोबारा फिर इन्हीं को खाना है और हमें भी खाना है यार, क्योंकि खेती मेरे पास कुल 16 वीट हैं। तो इन्हें फटाफट से इन्हें खिलाते हैं, इन्हें फीड खिलाते हैं और फिर ये टेम हो जाएंगे। तो टेम होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो फटाफट से ये ओपन का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं पहना देता हूँ। तो ये टेम हो चुका है गाइस, तो पहले अब इसको भी राइड करते हैं। एक मिनट, टेम करने के लिए पहले इस पर बैठना पड़ेगा, राइड का ऑप्शन इस पर आ रहा है, ये थोड़ी देर नखरा दिखाएगा और फिर ओपन पे क्लिक करके कर देना। तो इसे भी टेम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक ही सैडल है, तो मैंने इस घोड़े को पहना दिया है, तो ये अपना परमानेंट मेम्बर हो चुका है। तो फटाफट से चलते हैं यार और अपना खाने की व्यवस्था करते हैं और फिर निकलते हैं मिशन पर। और फिर जब तक खजाना पूरा हो नहीं जाएगा, हम लोग घर वापस लौट कर नहीं आएंगे। तो एक बहुत बड़े ट्रेजर हंटर पे हम लोग जाने वाले हैं।
हूँ अपने घोड़े पर और फटाफट से चलते हैं। यार मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे इस गधे को ले जाना चाहिए, क्योंकि यार इस गधे का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं इसके ऊपर चेस्ट भी नहीं रख सकता। इस लोकी क्राफ्ट में, माइनक्राफ्ट में फ़िलहाल रख सकते हैं गधे या घोड़े किसी के ऊपर भी चेस्ट हम लोग इजीली से रख सकते हैं और उसमें भी सामान ला सकते हैं। तो यार मुझे अभी, मैं फ़िलहाल जल्द में ही बात करते हैं इस ट्रेजर हंटिंग के बारे में। मुझे क्यों पता चला, क्योंकि मैं जल्द में ही गया था इस रेगिस्तान में, यहाँ पे यार मुझे बहुत सारा खजाना मिला था। और यार मुझे तो अभी जल्द में ही पता चला है यार यहाँ पे खजाना ही नहीं बल्कि यार बहुत ही पूरा एकदम खजाने का पूरा केव भी मिल सकता है। तो यार यहाँ से चलते हैं और यहाँ पे एक प्यारा सा ब्रिज भी है, तो इस ब्रिज से पार करते हैं और फटाफट से चलते हैं यहाँ से। एक मिनट, मुझे यार एक गधा दिखा, उसके ऊपर सैडल लगा हुआ है। तो यार एक काम करते हैं, इस गधे को भी ले चलते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे मेरा लीस गिर चुका है, अब मैं इसे बांध भी नहीं सकता। गाइस यहाँ से पार करते हुए एक काम करते हैं, चलते हैं, तो यहाँ पर चलते हैं और फिर बाद में चेक करेंगे कि यार मेरे इन्वेंट्री बॉक्स में एक भी जो रोप है वो है भी या नहीं है। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ तो भाई, ये क्या है यार, ये है क्या, इतना बड़ा तालाब, अभी इतना डेंजर कटा हुआ है, एकदम लगता ही नहीं है यार कि ये तालाब है। एक मिनट यार, एक काम कर, मेरे इन्वेंट्री बॉक्स में ये लीड था तो इसलिए मैं इसे बांध लेता हूँ इस घोड़े को, अब मैं पैदल ही सफ़र करूँगा अपना। तो ये गाइस, ये देखो ये कितना बड़ा तालाब है। और इस तालाब में यार एक चीज़ देखने वाली है कि ये पूरा स्क्वायर में भी है, रेक्टेंगल में भी है। तो यार ये देखो, मतलब कितना परफेक्टली कटा हुआ है और इस तरफ का पानी जो है वो गंदा हो रखा है। तो भाई इस पूरे पूरे रेगिस्तान में मुझे ढूंढना होगा, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि मुझे ट्रेजर मिले। तो मैं यहीं पर ही ढूंढूंगा। और कुछ मुझे दिखा यार, एक मिनट, ये यहाँ पे चेस्ट क्या कर रहा है यार। एक काम करता हूँ, मैं इस जो फेंस है मैं इसे गलती से ले आया था, लेकिन फ़ायदा है मैं इसको यहाँ पर बांध सकता हूँ, तो अब मेरा घोड़ा भी कहीं नहीं जाएगा और मैं चेक भी कर सकता हूँ। तो ये है चेस्ट और इसके अंदर मुझे यार एक चिकन और ये एक नाइट विजन मिला, तो इससे क्या होगा। एक काम करता हूँ, मैं इस लीड को इसमें रख देता हूँ, इस लीड को यहाँ पर रख देते हैं इसमें। तो और गाइस एक काम करता हूँ, मैं इसको एक खाने वाला चीज़ ऊपर कर लेता हूँ। तो मैंने इस चिकन को ऊपर कर लिया है, इसको फटाफट से खा लेते हैं क्योंकि यार मुझे भूख लग रही है, पेट पूरा फुल होना चाहिए। तो गाइस एक मिनट, कुछ मारा मुझे, ये भी खाएगा, अरे भाई ये बहुत महंगा चीज़ है तो इसे मत खा, ब्रेड है भाई ब्रेड, ये तेरे नसीब में नहीं। एक मिनट, नाइट विजन को पहनकर पानी के अंदर देखते हैं, फिर देखते हैं क्या दिखता है पानी के अंदर। तो मैंने नाइट विजन पहन लिया है और इसको अब पीते हैं। तो गाइस ये क्लियर कितना दिख रहा है यार, एक मिनट इस तरफ से देखते हैं, तो गाइस यहाँ से देखते हैं, एक मिनट मुझे कुछ दिखा नहीं चाहिए। हेलो हेलो यार, ये क्या, इसके अंदर चले गाइस, एक मिनट चलते हैं इसके अंदर फिर देखते हैं। तो गाइस ये वाइट वाइट हो गया है पूरा। तो गाइस इसके मुझे फटाफट से नीचे चलना होगा, क्योंकि यार एक मिनट मुझे वापस आना होगा, क्योंकि यार मेरा जो है वो मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्ट कितना नीचे है। धीमे धीमे से जा रहा हूँ नीचे और यहाँ पर मुझे डैमेज होने लगा है, डैमेज डैमेज डैमेज। तो गाइस मुझे सांस मिला, यहाँ पर सांस मिला, सांस मिला के लिए मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। तो एक मिनट मुझे यार एक ये एरो कहाँ से आ रहा है मुझे देखना है, तो एक मिनट इसे बाद में देखते हैं। तो यार मैं एक केव में आ चुका हूँ, यहाँ पर यार कुछ गेट, अमेजिंग गेट जैसा है कुछ, ये देखिए इस तरफ वाटर ही वाटर है, यहाँ पर पूरा ये केव जो है यहाँ से एक वाटर आ रहा है। और इस तरफ अगर देखें तो यार बहुत लंबी कुछ जा रहा है अंदर, और यहाँ पर देखिए इसके नीचे चलते हैं पूरा, यार अभी मैं गिर जाता यार। तो ये काम करता हूँ, मैं अभी यहीं से सोचता हूँ कुछ यार, ये या भाई ये क्या था यार, मैं गलती से टूटा, यहाँ पर एक लीवर है। तो यार कुछ तो यहाँ पर डेंजर है, कुछ तो खतरा है यहाँ पर, एक मिनट इसे क्लिक कर देखते हैं क्या होता है। तो भाई ये देखो यहाँ पे दरवाज़ा खुल गया, मैंने इसको ऐसे क्लिक किया, देखो ये कुछ ऐसे दबा ये बंद हो गया और फिर दबा ये खुल गया। तो यार इसके अंदर कुछ हो सकता है यार, हो सकता है यहाँ पे खजाना हो, हीरा हो यार,
तो यार डायमंड मिल जाए तो यार मज़ा ही आ जाएगा। तो इसके अंदर चलते हैं। ओ भाई यहाँ पे स्केल्टन हेड है, बहुत ही डेंजर है यार ये केव। ओ भाई कितने सारे हेड लगे हुए हैं यहाँ पर, क्रीपर हेड है और है यार। इसे माइन कर लेता हूँ, ये काम करता हूँ यार, क्योंकि यार ये आयरन भी बहुत ही सर्वाइवल में मेन होता है। तो गाइस यहाँ पे यार लावा है, कैसे जाऊँ मैं? एक मिनट, कुछ तो यहाँ पे पहेली जैसा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे हेड स्टोन पे लगे हुए हैं, लेकिन ये वाला हेड जो है यहाँ पे लगा है। हो सकता है इसे तोड़ने पर मुझे यहाँ से कुछ निकले यहाँ पर, इसे तोड़ कर देखते हैं गाइस। कुछ नहीं हुआ यार, एक मिनट, मेरे पास स्टोन है तो मैं स्टोन से कुछ ऐसे जंप कर कर जा सकता हूँ। एक ज़्यादा लग गया यार, तो एक यहाँ पर जंप, एक मिनट और भी लगाना होगा यार। मैंने तोड़ लिया था, अच्छा किया था यार, अभी तो मैं गया था यार। तो यहाँ पर कॉपर है, एक मिनट, डायमंड भी है मेरे पास। तो गाइस यहाँ पर चेस्ट रखा हुआ है, और उसके बगल में अगर ध्यान से देखो तो यार ये गोल्ड भी है यहाँ पर। तो और ये हॉपर क्यों लगी हुई है, सॉरी यार ये डिस्पेंसर क्यों लगी हुई है? इसे तो एरो शूट किया जाता है यार, तो हो सकता है इसके अंदर फायर चार्ज या एरो निकले, या कोई ट्रैप भी हो सकता है, इसीलिए मुझे सावधानी से वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो एक मिनट, कुछ ये क्या है? तो यार हो सकता है मैं इसको फॉलो करके यहाँ पे चलूँ, इसके नीचे पर ऐसे कुछ ऐसे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो हो सकता है मुझे कुछ डैमेज ना हो। तो यार एक काम करते हैं, यहाँ पर फिर इस तरफ, फिर ऐसे, एक मिनट भाई मैं आ चुका हूँ। तो ये वैसे लगा हुआ था, एक काम करता हूँ मैं पहले गोल्ड को तोड़ लेता हूँ, इस तरफ वाले गोल्ड को भी। अब इस चेस्ट को ओपन करते हैं गाइस, ये कैसे में केवल एक मैप। तो यार फिलहाल मैं चलता हूँ इससे, क्योंकि यार यहाँ पे मुझे डर लग रहा है कुछ हो सकता है। तो यहाँ से फटाफट से निकलते हैं यार, और फिर बाहर खोल कर देखते हैं इस मैप के अंदर क्या है। हो सकता है यार ये इसके अंदर खजाने का कोई नक्शा हो सकता है। तो मुझे दो आयरन और मिल गए हैं, लेकिन ये मैंने इसको तोड़ा तो इसके यार मुझे पूरा आयरन और ही क्यों मिला? एक मिनट, मैं गलत जा रहा था, अभी मैं निकल भी नहीं पाता यार, मैं फंस जाता। तो यार यहाँ से अब निकलने के लिए मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत धीमा है। इसके अंदर से वापस आ चुका हूँ, एक मिनट मैप को खोल कर देखते हैं। तो यार ये मैप जो है उसे देखो तो कुछ गोल्डन गोल्डन हो रखा है। हो सकता है यार यहाँ पर जाने पर मुझे कोई खजाना मिले। तो यार मैं इस यहाँ पर पूरा सर्च करने जाऊँगा। अगर ध्यान से देखते हैं तो ये यहाँ पर है, और इसको अगर दिशा इसको मिलाया जाए तो कुछ इस दिशा में मुझे जाना होगा, उस वाले दिशा में जिस तरह मेरा घोड़ा है। तो फिलहाल उस तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे चलते हैं तो मुझे कुछ उस दिशा में जाना होगा। तो ये मैप के अनुसार मुझे उसी दिशा में जाना होगा, क्योंकि ये यहाँ पर है जो हम हैं, तो यहाँ से कुछ इसी तरफ जाना होगा। तो ये घोड़ा है अपना, इस घोड़े को खोलते हैं फटाफट से, अनलीस करते हैं। एक मिनट, इसे खोलूँ कैसे यार? तो ये खुल चुका है, और इस पर मैं बैठ चुका हूँ, और इस तरफ मैं चलता हूँ सफारी पर। तो मैंने अपना जो मैप है उसे भी कर लिया है ओपन, और यार यहाँ से तो मुझे वाटर पूरा दिख रहा है। अब यार यहाँ पे जाना मुझे डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ से मेरा घोड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन घोड़ा मेरा सुपरमैन निकला यार। तो यहाँ से निकलते हैं कुछ इस तरफ, और फिर एक खाई, तो फिर भी घोड़ा मेरा पार कर लेगा, क्योंकि इसको मैंने बूटी भी आया है बाबा जी का।